हम सरना धर्म कोट लेके रहेंगे और आदिवासियों को सरना धर्म कोट के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। तो अगर हम मुस्लिम हो जाएंगे ना तो हम टोपी पहनना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगा, लुंगी पहनना पड़ेगा। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में राज्य भर से आदिवासी समुदाय के लोग रांची के मोराबादी मैदान में जुटे हुए हैं। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह पूरी सड़क को जाम करके बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि यह धरना सालखन मुर्मू की अध्यक्षता में हो रहा है। सालखन मुर्मू ने कहा कि भारत के टोटल आबादी के लगभग 10% हम लोग आदिवासी हैं और अधिकांश आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं। हम हिंदू मुसलमान ईसाई आदि नहीं है। हमारी यही मांग है कि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से धार्मिक मान्यता दी जाए और मर्यादा के साथ जनगणना में शामिल होने का हमें अवसर दिया जाए। के लिए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इस समय भारत देश में आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता मिलनी चाहिए। इस पर मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूँगा। यही रांची में बहुत सरना धर्म कोड के लिए बोलने वाले, लड़ने वाले अनेक संगठन है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम लोग मिल के चले। जब मांग हमारी एक है तो मिल के चलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे कुछ अगुआ लोग, संगठन लोग, ईगो प्रॉब्लम या जो भी हो, तो मैं उनसे आज भी अपील करना चाहता हूँ, चलो सरना धर्म कोड के नाम से हम इस चीज हासिल करें। उसी प्रकार हमारे बीच में बड़ा विभ्रांति है, कुछ लोग आदिवासी धर्म कोड के नाम से कुछ सारी धरों, कुछ विभिन्न धरों, कुछ भीली धरों, कुछ गोली धरों, तो हमसे भी रोज लोग पूछताछ करते हैं कि इतने सारे नाम हैं, हम लोग किस नाम से आगे बढ़ेंगे। हमारा इतना ही कहना है, हम आदिवासी प्यासे हैं, हम पानी चाहते हैं, उस पानी को आप वाटर भी बोल सकते हो, पानी भी, जल भी, नीर भी, दाह भी, तो हम लोग विभिन्न नामों से उस पानी की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार से हम एक ही चीज चाहते हैं, हम जो लोग प्रकृति पूजक हैं, भाई जो भी नाम से दे दो, लेकिन दे दो हमको हमारा धर्म का पहचान दे दो और वो देंगे। सरना धर्म को लिए এসেছি আমরা, কারণ দীর্ঘদিনের ধরে আমার দাবি এই সারনা ধর্ম আদিবাসীদের যে অধিকার, সেই অধিকার থাকা সত্ত্বেও এই সরকার আমাদের দিচ্ছে না, তাই আমরা এই জন্যই আজকে ধর্নায় বসেছি। হাম সারনা ধর্ম কোর্ট লেকে রহেঙ্গে ওর মাং রা হুঁ ভারত সরকার হমকো দে যায়। মতলব ইয়ে কি আমলোক আদিবাসী হ্যাঁ না, তো আমলোক পাতা হ্যাঁ ভারত দেশ মে সব লোক কা অধিকার হ্যাঁ, ভাষা ভাষা জাতি ধরো মেজত আবাদে রোজগার চাষবাস সংবিধানিক অধিকার চাকরি নৌকরি, তো আমলোক তো আদিবাসী হ্যাঁ, আদিবাসী কে লিয়ে তো আমলোক ভি আলাগ কোর্ট চাইয়ে। আর আমরা ইয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য মে আমরা সাঁওতালি ভাষা সে লেখা পড়না কে লিয়ে ইয়ে ভি আমরা ভাষা ইয়াহ পে পাস হোনা চাইয়ে, আর ইয়ে আমলোক কা ভাষা লেকার আমলোক কা বহুত সারে আমরা আদিবাসী কে রূপ সে আমলোক চাকরি নৌকরি ভি মিলেঙ্গে, আর ইসকে বাদ সরনা ধর্ম কলম কোর্ট ভি মিলেগা, और मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हम लोग मुस्लिम भी नहीं हैं, हिंदू भी नहीं हैं, तो अगर हम मुस्लिम हो जाएंगे ना तो हम टोपी पहनना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगा, लुंगी पहनना पड़ेगा, इसके बाद मेरा नाम, अगर मेरा नाम दूसरा है तो उसी का नाम जैसा हम रहीम खान को नाम रखेगा, और इसके बाद हम लोग का धीरे 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 ऐसा करते रहेगा तो धीरे 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 आदिवासी अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग नहीं तो पहले आप सोचिए, पहले बहुत सारे पहले एक डायनासोर भी था, और डायनासोर अभी धीरे 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के तरह उधर इधर गया, इसके बाद तो डायनासोर जाति भी ख़त्म हो गया, ऐसा भी हम लोग को भी ख़त्म हो सकता। इसीलिए हम लोग को सरना धर्म कोड भी चाहिए, सांताली राजभाषा चाहिए। हम लोग के समझ में जैसे कि सरपंच गाँव बुढ़ा जी भी है, वो भी और मालूम नहीं है कैसे समाज को चलाना है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं, वो भी मालूम नहीं है। इसीलिए हम लोग के ऊपर में जैसे कि डैंड सौंधे हो करके बहुत आदमी मार रहा है, किसी को ऐसा रेप टेप करके मार रहा है, ये हम लोग के ऊपर में आदिवासी आइन कानून, आदिवासी के रूप में आइन कानून भी लागू होना चाहिए।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।